congratulation and celebration when I tell everyone that you're in love with me. और असीं मैं बहुत सारे अपने इंटरव्यूज दे विच वी ये गल कहना कि असीं ये बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं कि बच्चों को बेस्ट राइटर बना रहे हैं ते बेस्ट स्पीकर बना रहे हैं। जदों मैं इश्ता दी राइटिंग आने वाले गेस्ट नूं दिखाना है, उमेश की राइटिंग दिखाने या अंजला की राइटिंग दिखाना कि वह बच्चा जिन्हों अजे पेन नहीं लग्या पर राइटिंग जो अभी देखते हैं अभी हैरान हो रहे हैं। पिछले साल जो अभी बच्चियों लैके गए थे जो बच्चिया ने उत्थे अपना रोल निभाया काबिले तारीफ सी। एक पासे चाइना के 60 बच्चे सीगे ते एक पासे साडी फोर्थ स्टैंडर्ड की बच्ची सीगी जशिका। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 60 ਬੱਚੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਪਲ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿ 60 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, क्योंकि हाइट ते पहुंचना बड़ा आसान है लेकिन हाइट ते टिके रहना बहुत मुश्किल है या उससे ऊपर जाना होर भी मुश्किल है। अपा हाइट एक हासिल की है, इस हाइट तो होर ऊपर जाना है लेकिन अपने आप को डिगन नहीं देना ते अपने आप को अस्थिर नहीं करना। पंजाबी किसानी दे विच एक कहावत है कि जिहड़ा किसान आड़ च पानी आउंदिया सार सारे कैरे का नका इको बारी मोड़ दे कभी खेती च कामयाब नहीं होता क्योंकि कैरे कोई भी नहीं भरया जाता जो सारे का नका मोड़ जाए। लेकिन आंदा कि देवदर के सामने मिसाल झूठी पीती है, देवदर साहब वह बंदा है कि सारिया कलाव इको बारी करता तो सारिया च कामयाब हों कभी बंदे देसी इस तरह नहीं। And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can. हम हमेशा कहते हैं कि ये यहाँ पे जो आत्म पब्लिक स्कूल में काम चलते हैं वो हमेशा यूनिकनेस से चलते हैं। वो काम इस तरह से होते हैं कि जो बाकी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वहां पे इस तरह से स्कूल में इस तरह का जो ऑनर है ना तो वो टीचर्स को और ना ही वो स्टूडेंट्स को देते हैं। एक चीज हमेशा सर कहते हैं, अगर तो पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चों का ये ट्रायंगल कंप्लीट है तो वही स्कूल जो है, वही इंस्टीट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल है। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आता पब्लिक स्कूल एंड माय होल स्टाफ मेंबर्स, मैं देव सर को हार्डली थैंक्स बोलती हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करें टीचर्स के लिए वो किसी और स्कूल में नहीं है और इसी चीज के कारण हमारा स्कूल इतनी बुलंदियों पे है, इतनी ऊंचाइयों पे है कि हम एक रुक और एक रुक आउट ऑफ द वे जाके जो सर हमें डेली कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और सर हर बार कहते हैं कि जितनी भी सरकारें हैं चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो वो बच्चों को नहीं पढ़ाते लेकिन हम जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चों से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे एक छोटी सी बच्ची है, सर ने भी बात की है और सर ने भी कहा है कि ये कच्ची पेंसिल से लिखती है। जब सर कह रहे थे कि कच्ची पेंसिल से लिखती है तो मेरे को वो गाना याद आ गया कि नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल का। ये वो बच्ची है जो कच्ची पेंसिल से अपने नसीब जो है इसने लिखने शुरू कर दी और जब पक्की पेंसिल की आएगी तो इसके नसीब तो बहुत ऊपर है। और जैसे सर ने लास्ट में कहा कि अब हम 3 लेके जा रहे हैं, फिर 30 लेके जाए, फिर सारा स्टाफ लेके जाए, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी सर के थ्रू ही पॉसिबल है। और पूरे इंडिया में कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चों को भी फॉरेन टूर देता हो। तो ये हमारे 2 टीचर, उन्होंने डेक्लेमेशन कंपटीशन में, इधर मैम जो है चाहे हैंडराइटिंग है चाहे दूसरी कोई एक्टिविटी है, हर किसी एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मैक्सिमम कॉम्पिटिशन करवाए जिसके कारण ये बच्चे जो है वो आगे निकले हैं। तो इन टीचर्स का भी मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि आपने प्राइज विन किया, वो आपकी मेहनत है जिसके कारण आप यहाँ तक पहुंचे। आप सबको, आप सब टीचर्स ने इनको चुना है, हमारे बच्चों को चुना है, जिनका ये आज बहुत बड़ा दिन है जिनके लिए, जो आज यहाँ पे ऑनर होंगे फॉरेन टूर के लिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको ये मौका आगे भी मिलेगा दोबारा से और हमारे सारे टीचर्स के लिए अभी से कंग्रेचुलेशन है और एडवांस में विशेष है कि आप सब लोग भी ये मौका पाओ और अपनी पूरी फैमिली को प्राउड फील कर पाओ। When I let you walk into my heart
Potential Effect. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me. इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने ये बच्चों को अगे वधन का एक मौका दिता ते उहदे करके असी अज तुहाडे सामने रूबरू होके एक बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ते बहुत ही खुशी की भावना साडे अंदर हैगी है कि असी चाहते हैं कि यह सारिया बच्चों ये ओपरचुनिटी मिलती रहे और यह स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। पहले तो देव सर का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बच्चों को इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया और बच्चों को बोलने का मौका दिया। हमारी उंजला 3.5 साल की थी तो जब उसने सबसे पहला गुरु नानक ऑडिटोरियम में माइक पकड़ा, 3.5 साल का बच्चा जो खड़ा होना नहीं जानता, उसने माइक पर इतनी बढ़िया एंकरिंग की कि वो देखना बनता था। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन इतनी शानदार है, टीचर्स एक माँ की तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं। बच्ची ने जब फॉरेन टूर विन किया उसके बाद उसने स्केटिंग, राइटिंग, डांसिंग, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है जो बच्चे ने मेरे विन नहीं किया। आज बच्ची 9 साल की है, उसके पास 45 शील्ड रखी हुई है, मतलब उसकी उम्र से ज्यादा उसके पास शील्ड है। आतम पब्लिक स्कूल के लिए मैं दुआ करूंगी वो दिन रात तरक्की करे, यहाँ के टीचर्स बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। थैंक यू। आतम पब्लिक स्कूल हमारे बच्चों का बहुत ही अच्छा स्कूल है। इस स्कूल में हमें हमारे बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन, कैलीग्राफी इतनी अच्छे तरीके से सीखी है कि हम बता नहीं सकते। तो मैं बता नहीं सकती कि इसने कितना अच्छा बोला है, इसलिए हम देव सर का और स्कूल के टीचर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।